तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से इस तरह की शॉर्ट्स ऐप आप लोग बना सकते हो। ठीक है जी, व्यू पेजर की हेल्प से बिल्कुल स्लाइडिंग वाली शॉर्ट्स ऐप, जो भी वीडियो शॉर्ट्स ऐप आप लोग यूट्यूब वगैरह पे देखते हो या इंस्टाग्राम पे जो आप देखते हो, इस तरह के आप लोग एक ऐप बना सकते हो। इसमें टाइटल हम लोग ने दिया है, शेयर बटन और डाउनलोड बटन बनाया है। तो ये हम लोग सीखेंगे बनाना, दो तीन पार्ट में इसकी पूरी वीडियोज आएंगी। तो इस पार्ट में हम लोग पूरा इसको इस तरह से बनाना सीखेंगे, अगले पार्ट में हम लोग इसको फायरबेस से कनेक्ट करेंगे, उससे अगले पार्ट में हम लोग इसका डिजाइन वगैरह चेंज करेंगे और शेयर बटन और डाउनलोड बटन को काम में लाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, और लाइक करना इस वीडियो को अगर पसंद आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार वीडियो शॉर्ट्स ऐप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तीन चार ऑप्शंस यहाँ पे लेकर के रखे हुए हैं। तो मैंने एक वीडियो व्यू लिया हुआ है सबसे पहले, तो पूरा इसको स्क्रीन पर डाल दिया वीडियो व्यू को। उसके बाद मैंने एक प्रोग्रेस बार लिया, उसको बिल्कुल सेंटर में डाल दिया ताकि जब वीडियो लोड हो तब ये प्रोग्रेस बार शो हो, और जब वीडियो लोड हो जाए तो ये गायब हो जाए। इसके बाद मैंने एक टेक्स्ट व्यू लिया जिसमें मैं इसका जो टाइटल है वीडियो का वो यहाँ पे शो करवाऊंगा। इसके बाद मैंने दो इमेज व्यूज लिए हैं जिनको यूज करूंगा मैं बटन के रूप में, एक से मैं वीडियो शेयर कर पाऊँ, ठीक है जी, एक शेयर बटन और एक डाउनलोड का बटन रखा है ताकि वीडियो मेरे फाइल्स पे सेव हो जाए। तो ये सारा काम करवाएंगे, इसकी एक दो वीडियोस आएंगी इसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है, इसी ऐप के ऊपर हम लोग इसको एडवांस करते जाएंगे धीरे धीरे। तो फिलहाल के लिए हम लोगों का काम है फिलहाल के लिए यहाँ पे शो करवाना जो भी शॉर्ट्स आएंगे, और यहाँ पे टाइटल शो करवाना और यहाँ पे इसको वीडियो शो करवाना, ठीक है, फिलहाल के लिए ये काम करेंगे। इसके बाद हम लोग सर्वर के साथ इसको कनेक्ट करेंगे, फायरबेस के सर्वर के साथ, फायरबेस के थ्रू हम लोग यहाँ पे स्टेटस को रन करवाएंगे, ठीक है जी। फिलहाल के लिए इतना काम करते हैं। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैंने लेआउट बनाया हुआ है। अब मेन एक्टिविटी पे आ जाते हैं जी। मेन एक्टिविटी पे क्या लेंगे हम लोग, ठीक है, मैं यहाँ पे मेन एक्टिविटी में ले लेता हूँ व्यू पेजर। देखो व्यू पेजर क्या होता है ना, फ्लिप, जो भी आपको फ्लिप वीडियो फ्लिपिंग या फिर इमेज को फ्लिप करके कुछ काम करवाना है तो ये व्यू पेजर आपके लिए काम आता है। तो हम लोग यहाँ पे व्यू पेजर टू लेंगे, इसको मैच पेरेंट करके और इसकी ओरिएंटेशन हम लोग दे देंगे वर्टिकल, क्योंकि हम लोग इसको वर्टिकली शो करवाने वाले हैं। इसकी आईडी भी दे देते हैं, एक इसकी आईडी दे देते हैं हम लोग, व्यू पेजर नाम दे दिया इसका, ठीक है जी। इतना काम हो गया, इसको कंस्टेंट को सबके साथ मैच कर देंगे। और जब मैं चाहता हूँ कि जब मेरी ये ऐप ओपन हो ना तो मुझे स्टेटस बार और ये सब शो ना हो, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो वैल्यू में आऊंगा, वैल्यू में आने के बाद थीम के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे पहले तो नो एक्शन बार कर दूंगा, ठीक है जी। मुझे स्टेटस बार, यहाँ पे कोई स्टेटस बार शो नहीं करवानी, मैं चाहूँ तो बाद में खुद के लिए बना सकता हूँ, ठीक है। एक ये काम करना है और मेन एक्टिविटी पे ही आने के बाद, ठीक है जी, आप गूगल कर लेना, फुल स्क्रीन एक्टिविटी एंड्रॉयड, ठीक है जी। तो आपको बहुत सारे यहाँ पे मेथड मिल जाएंगे, हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है जी। ये मेथड मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से जिसमें मुझे फुल स्क्रीन मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट्स ऐप में आ गया और यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर दिया, जस्ट जहाँ पे कंटेंट सेट कंटेंट कर रहे हैं उससे पहले मैंने ये पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। आप मुझे फुल स्क्रीन में ये दिखेगी, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ व्यू पेजर आ गया, इतना काम हो गया। अब हम लोग एक डेटा हैंडलर बनाएंगे। अभी जी डेटा हैंडलर क्या करेगा, हमारे डेटा को टेम्परेरी स्टोर करेगा, ठीक है, डेटा हैंडलर। तो डेटा हैंडलर मैंने यहाँ पे बना लिया। अब डेटा हैंडलर बनाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, डेटा हैंडलर में हमको क्या चाहिए सबसे पहले, तो भाई हमको क्या चाहिए, यहाँ पे एक स्ट्रिंग चाहिए टाइटल जो हम लोग यहाँ पे शो करवाएंगे ना, एक टाइटल चाहिए और एक यूआरएल चाहिए वीडियो का, उसके यूआरएल के थ्रू तो हम डाउनलोड और शेयर करवा देंगे, बाकी हमको एक टाइटल चाहिए। तो दो चीजें हमको चाहिए, एक चाहिए जी टाइटल और एक चाहिए जी हमको यूआरएल जो वीडियो का रहेगा। बस इतना काम करो, अल्ट प्लस इंसर्ट दबा दो, अल्ट प्लस इंसर्ट दबाओगे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आ जाएगा बनाने को, ठीक है जी। दोनों का कंस्ट्रक्टर बना लो और उसको ओके कर दो। यहाँ पे ये करने के बाद आपने नीचे गेटर मेथड चाहिए, तो गेट लिख देना, तो ये गेट यूआरएल और गेट टाइटल आपको मिल जाएंगे। तो ये डेटा हैंडलर का काम खत्म। अब ये हमारे डेटा को टेम्परेरी स्टोर करके रखेगा टाइटल और यूआरएल, और जब हमको चाहिए होगी, जब हम इस पर सेट करवाएंगे ना, तब हमको वहां से हम लोग इसको ले ले पाएंगे, ठीक है। अब हमको चाहिए मेन, जो चीज चाहिए वो चाहिए अडेप्टर, तो इसका नाम मैंने पेजर अडेप्टर दे दिया, आप जो मर्जी चाहो दे सकते हो, ठीक है। तो
तो इस पेजर अडप्टर के अंदर हम लोग अभी व्यू पेजर के लिए एक अडप्टर बनाएंगे, ठीक है जी। तो अडप्टर किस तरह से बनाना है ध्यान से देखना इस चीज़ को, जैसे रिसाइकलर व्यू का अडप्टर बनाते हैं सेम उसी तरह से हम लोग बनाएंगे। पेजर अडप्टर लिखा है, इसके आगे हम लिखेंगे एक्सटेंड्स रिसाइकलर व्यू डॉट अडप्टर, और इसके अंदर हम लोग एक व्यू होल्डर बना लेंगे। अब देखो व्यू होल्डर बनाने के लिए आप इसी टाइटल जो आपने क्लास का नाम दिया है ना इसी को इसके अंदर डाल देना, ठीक है जी। पेजर अडप्टर डॉट व्यू होल्डर लिख देना, ठीक है जी। फिर इस पर अल्ट प्लस इंसर्ट दबाना, तो ये अल्ट प्लस एंटर सॉरी, तो ये आपके मेथड वगैरह इंप्लीमेंट होते जाएंगे, सारा काम आपका होता जाएगा। देखो ध्यान से देख लेना लेकिन ऊपर क्या एक्सटेंड किया हमने, ठीक है, तभी ये अच्छे से काम करेगा, अदरवाइज आपके एरर आएंगे, ठीक है। ये काम हो गया जी अडप्टर के मेरे सारे मेथड यहाँ पे आ गए। अब जहाँ पे मेरे मेथड स्टार्ट हो रहे हैं उससे ऊपर मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे बनाएंगे एक एरे लिस्ट। एरे लिस्ट क्या करेगी, जितना हम लोग डेटा हैंडलर को टेम्परेरी जो डेटा देंगे ना एरे लिस्ट के थ्रू हम लोग वहाँ पे इसी एरे लिस्ट पे उसको स्टोर करेंगे। यहाँ तो टेम्परेरी रहेगा लेकिन एरे लिस्ट के अंदर वो हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग किसका एरे लिस्ट बना रहे हैं, हम डेटा हैंडलर के अंदर जो डेटा है उसका लिस्ट बना रहे हैं, तो हम लोग डेटा हैंडलर डाल देंगे। तो जो भी आपने नाम दिया होगा ना डेटा हैंडलर का तो वो आपने देना है, ठीक है जी। इसका नाम दे देंगे हम लोग डेटा हैंडलर, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चाहिए चीज, इसको मैं प्राइवेट कर लेता हूँ, और एक प्राइवेट मुझे क्या चाहिए, एक्टिविटी। हमेशा इस चीज को याद रखना, जब भी आप कंस्ट्रक्टर बनाओ ना एडप्टर के अंदर तो वहां पे एक्टिविटी जरूर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा काम आएगी आपको। अब इतना ही काम हमको चाहिए, हम लोग फिर से अल्ट इंसर्ट दबाएंगे और यहाँ पे भी क्या कर लेंगे, कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो अडप्टर के लिए कंस्ट्रक्टर बन गया, इतना काम हो गया। इसके बाद यहाँ पे जहाँ पे रिटर्न नल आ रहा है यहाँ पे हम लोगों को कुछ काम करना है, पहले तो रिटर्न पे आ जाते हैं। रिटर्न पे हम लोग क्या करेंगे ना, जितना भी हमारे पास डेटा हैंडलर के अंदर जितना डेटा हैंडलर डॉट साइज, जितना भी इसके अंदर डेटा का साइज हो उतने ज्यादा हमारे व्यू पेजर के जितने ये जो हमारे पास आइटम्स आएंगे ना, जितने हम लोग वीडियोज शो करेंगे तो वो सारे उतने शो हो जाएंगे जितने हमारे पास जो है लिस्ट के अंदर हो गया, ठीक है जी। इतना काम हो गया, अब यहाँ पे आएंगे जी व्यू होल्डर, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर पे। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर पे आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है व्यू व्यू इज इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन फ्रॉम करना है आपने। यहाँ पे फ्रॉम पे आपने जहाँ पे ये व्यू ग्रुप लिखा है ना ऊपर देखो यहाँ पे, इसके साथ जो भी चीज लगी होगी, पेरेंट मेरे पे लिखा हुआ है, आपके भी कुछ भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे जो भी लिखा होगा ना व्यू ग्रुप के साथ उसको लिख लेना और उसके साथ डॉट कंटेक्स्ट लगा लेना, गेट कंटेक्स्ट, तो ये आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद इन्फ्लेट करना है, इन्फ्लेट क्या करना है, आर डॉट लेआउट में जो लेआउट है हमारी जो हमने आइटम वीडियो बनाई है उसी को इन्फ्लेट करना, यानी रिपीट करवाना उसको, तो इसी पे आइटम वीडियो कोमा पेरेंट फिर से डाल देना, ठीक है जी। एक व्यू ग्रुप चाहिए होता है इसको, और लास्ट में एक आपने फॉल्स दे देना है जी, इतना काम कर लो। फिर यहाँ पे आपने क्या करना है, रिटर्न न्यू व्यू होल्डर। देखो ये जो व्यू होल्डर लिखा है ना मैंने, ये वही व्यू होल्डर है जो आपने यहाँ पे बनाया है और इसकी एक क्लास क्रिएट हो गई है, तो आपने यहाँ पे जो भी स्पेलिंग दी होगी डॉट करके या फिर जो भी नाम लिखा होगा इस व्यू होल्डर का वो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। यहाँ पे ज्यादा समझने के लिए हम लोगों ने इस तरह से व्यू होल्डर लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो, उसी की क्लास बन जाएगी, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे उसी को यूज करना है, तो जी व्यू होल्डर बन गया। व्यू होल्डर के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, व्यू होल्डर के अंदर जो ये व्यू बना है ना अभी ये डाल देंगे। ये सब एक्सप्लेन करके रखा है मैंने कि क्यों क्या हम लोग कर रहे हैं, ठीक है जी। रिसाइकलर व्यू की वीडियोस देखो, वहां पे हर चीज एक्सप्लेन की है मैंने अडप्टर के बारे में कि अडप्टर का काम क्या है, किस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ठीक है जी। रिटर्न हो गया व्यू, अब हम लोगों ने क्या करना है, बाइंड व्यू होल्डर पे आ जाना है। बाइंड व्यू होल्डर पे आने से पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे। अब देखो जितने भी आइटम व्यू वीडियो पे जो जो भी आइटम्स लिए ना हमने, जैसे वीडियो व्यू लिया है, प्रोग्रेस बार लिया है, टेक्स्ट व्यू लिया है, इसका नाम भी दे देते हैं टाइटल टेक्स्ट, ठीक है जी, इतना दिया। इसके अलावा यहाँ पे इमेज व्यू है एक, और एक और इमेज व्यू है, इसका नाम भी हम लोग देंगे, ठीक है। इसको शेयर इमेज लिख देते हैं यहाँ पे, आईडी की शेयर इमेज दे दी, और ये जो ऊपर है इसका इमेज व्यू पहले से है तो इसको रहने देते हैं, ऐसी कोई चक्कर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सभी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे एडप्टर के अंदर, क्या लेंगे,
सबसे पहले तो ले लेंगे जी हम लोग वीडियो व्यू। वीडियो व्यू उसका नाम दे दिया। इसके बाद हमारे पास प्रोग्रेस बार भी है, तो प्रोग्रेस बार, तो यहाँ पर प्रोग्रेस बार दे दिया। इसके अलावा हमारे पास और क्या है? प्रोग्रेस बार होगी, वीडियो व्यू हो गया, एक टाइटल है और दो इमेजेस है। तो टेक्स्ट व्यू है एक और दो इमेजेस है, तो इमेज व्यू यहाँ पे लिखूंगा। और यहाँ पे एक इमेज क्या है हमारी, एक है हमारी डाउनलोड, डाउनलोड बटन, और एक है शेयर बटन। इसको कॉमा करके इसलिए लिखा क्योंकि इमेज व्यू ही है दोनों, बाद में इनिशियलाइज उनको अलग अलग करेंगे हम लोग। अब देखो इनिशियलाइज कर रहे हैं सबको, तो वीडियो व्यू लिखेंगे इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट, जो भी वीडियो व्यू की है। तो यहाँ पे वीडियो व्यू मैंने इसका नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको रख लूंगा। इसके बाद हमारे पास प्रोग्रेस बार है, इसको भी सेम आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आई डी आर डॉट आई डी डॉट, यहाँ पे क्या देंगे हम लोग, यहाँ पे प्रोग्रेस बार का हमने दिया है प्रोग, तो प्रोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो, चाहे यहाँ पे लिख लो, इसी को मैं डुप्लीकेट कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आप क्या दूंगा, टाइटल, टाइटल लिख दिया, और इसके लिए मैंने टाइटल दिया या टाइटल टेक्स्ट दिया था इसका नाम, तो ये भी लिख दिया। इसके अलावा यहाँ पे डाउनलोड बटन और एक है हमारे पास शेयर बटन, तो डाउनलोड बटन के लिए हम लोगों ने क्या यहाँ पे आईडी दिया वो देख लेते हैं। तो शेयर बटन के लिए तो शेयर इमेज दिए और डाउनलोड के लिए इमेज व्यू दिया, तो डाउनलोड के लिए हम लोग क्या डाल देंगे, इमेज व्यू, और यहाँ पे शेयर के लिए शेयर इमेज। तो सारा काम हो गया, बस ये काम करने के बाद हमारा बाइंड व्यू होल्डर पे थोड़ा सा काम बचता है। यहाँ पे क्या करना है अभी, अब देखो बाइंड व्यू होल्डर क्या करेगा नाम, अब जो भी आपका ये डेटा होगा ना सारे को बाइंड करेगा, यानी कि इस पे आपकी जो भी डेटा होगा उसको सेट करवाना है यहाँ पे। तो सेट किस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि जो वीडियो व्यू है उसको सेट करेंगे। ठीक है जी, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे होल्डर डॉट वीडियो व्यू डॉट सेट। देखो यहाँ पे हम लोग मेथड लेंगे सेट वीडियो यूआरआई, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यूआरआई डालेंगे। कहाँ से लेंगे यूआरआई, हम लोग यूआरआई कहाँ से लेंगे, यूआरएल जो होगा वो यहाँ से लेंगे, जो हमारा एरे लिस्ट है, डेटा हैंडलर डॉट गेट, और यहाँ पे पोजिशन दे देना डॉट, और यहाँ पे क्या ले लेंगे यूआरएल। इतना काम करोगे तो ये बोलेगा पार्स कर दो इसको, यूआरआई डॉट पार्स कर दो इसको, मतलब रैप कर दो इसको यूआरआई डॉट पार्स में, तो इसको यूआरआई के रूप में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, और ये हम लोग वीडियो व्यू पे दे दिया हमने। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि जो भी अब वीडियो तो प्ले होनी है, पहले तो प्रिपेयर होगी वीडियो की, हाँ इस पे यूआरएल वगैरह सेट होगा, लोड होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड ले लेंगे होल्डर डॉट वीडियो व्यू डॉट ऑन प्रिपेयर लिस्टनर, सेट ऑन प्रिपेयर लिस्टनर, और न्यू मीडिया प्लेयर डॉट ऑन सेट प्लेयर लिस्टनर, ये काम आपने कर लेना। इस पे क्या होगा कि हमको पता चल जाएगा कि हमारा वीडियो जो है प्ले होने के लिए रेडी है या नहीं। अगर हो गया रेडी यहाँ पे ऑन प्रिपेयर, यानी कि प्रिपेयर्ड है, आप प्रिपेयर है रन होने के लिए, तो हम क्या करेंगे, प्रिपेयर है तो हम करेंगे होल्डर डॉट प्रोग्रेस बार जो है, अब प्रोग्रेस बार का काम खत्म, स्टार्टिंग में हम इसको विजिबल रखेंगे तो घूमती रहेगी, जब हमारा वीडियो व्यू आ गया ना तब इसको क्या करेंगे, इसकी विजिबिलिटी को हम लोग क्या कर देंगे, गॉन कर देंगे, तो ये वीडियो जो प्रोग्रेस बार है हमारी ये गायब हो जाएगी यहाँ से। ठीक है जी, प्रोग्रेस बार गायब होगी। जैसे प्रोग्रेस बार गायब होगी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो मीडिया प्लेयर है, अब जो ये वीडियो को प्ले करेगा ना वो मीडिया प्लेयर करेगा, और मीडिया प्लेयर हमारे पास यहाँ पे है, तो हम मीडिया प्लेयर बोलेंगे डॉट स्टार्ट, स्टार्ट कर दो वीडियो को, तो अब मीडिया प्लेयर क्या करेगा, हमारी वीडियो को स्टार्ट करेगा। अब वीडियो स्टार्ट तो हो जाएगी, अभी इसमें एक चीज, दो तीन चीजें और हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, वो क्या कि जब वीडियो प्ले हो तो वीडियो का तो हमको एक फिक्स रेशो रखना है। देखो जी जब भी हम लोग शॉर्ट्स की बात करते हैं तो उसका फिक्स रेशो रहता है, यानी कि एक जूम होके ये वीडियो आएगी तो इस तरह से बनानी पड़ेगी वीडियो को, शो फुल स्क्रीन पर करना है। अभी अगर हम लोग इसको डायरेक्ट रन कर देंगे तो उसका रेशो हमारे पास जितना वीडियो का साइज रहेगा ओरिजिनल उतना ही शो होगा, तो हम लोग क्या करेंगे अभी इसका साइज सेट करेंगे जी। इस साइज को ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा कोड आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, इसको हम लोग अभी सेट करेंगे। देखो क्या करेंगे,
हम लोग क्या करेंगे, एक फ्लोट बनाएंगे, क्योंकि फ्लोट से ही हमारे रेशो सेट होते हैं, तो फ्लोट वैल्यू हमको चाहिए होती है। तो उसका नाम दे दिया मैंने वीडियो रेशो, वीडियो रेशो इसका नाम दे दिया। फिर मैंने बोला इज इक्वल टू, अब मीडिया प्लेयर से हम लोग देखेंगे कि वीडियो का रेशो क्या है, मीडिया प्लेयर डॉट, अब हम लोग क्या लेंगे, गेट वीडियो विड्थ ले लिया हम लोगों ने। वीडियो विड्थ लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड किससे कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग मीडिया प्लेयर डॉट गेट वीडियो हाइट से। तो इससे हमको एक रेशो मिल जाएगा, हाइट और विड्थ का एक रेशो मिल जाएगा। ये हमने फ्लोट में लिया है ना, तो इसको भी फ्लोट में हमको पास करना पड़ेगा। इसको भी फ्लोट में हम क्या कर लेंगे, रैप कर लेंगे। ठीक है जी, फ्लोट पे हम लोगों ने इसको ले लिया, अब फ्लोट के रूप में हमारे पास वीडियो रेशो मिल गया। अब हम क्या करेंगे, स्क्रीन की रेशो, वीडियो की रेशो तो हमारे पास आ गया, अब स्क्रीन जो हमारी शो हो रही है एंड्रॉइड में उसका रेशो चाहिए। सेम फ्लोट करेंगे, स्क्रीन रेशो हम लोग लेंगे। अब जो स्क्रीन रेशो रहेगा ना, देखो वो भी हम लोग क्या करेंगे, अब स्क्रीन रेशो कैसे लेंगे, देखो देख यहाँ पे हम लोग जो स्क्रीन रेशो लेंगे वो वीडियो व्यू का लेंगे। देखो ध्यान से देखना इस चीज को, अभी समझाता हूँ, फिर ठीक से समझाता हूँ इसको। होल्डर डॉट जो हमारा वीडियो व्यू है ना, उसकी जो विड्थ है, गेट विड्थ ले ली, इसको सेम वैसे ही डिवाइड कर देंगे फ्लोट के रूप में, होल्डर डॉट वीडियो व्यू डॉट गेट हाइट। ठीक है जी, हाइट विड्थ का रेशो हम लोगों ने स्क्रीन रेशो ले लिया। अब ध्यान से देखो, जो वीडियो रेशो हम लोग ले रहे हैं वो मीडिया प्लेयर का ले रहे हैं, जो वीडियो जो प्ले होगी ना उसका जो रेशो ले रहे हैं वो वीडियो रेशो ले रहे हैं, वो मीडिया प्लेयर से हम लोग ले रहे हैं जो प्ले करेगा। और जो स्क्रीन का रेशो ले रहे हैं ना, वो होल्डर डॉट वीडियो व्यू जो हमने लिया है ना, जो ये वीडियो व्यू लिया इसका ले रहे हैं। अब इन दोनों के रेशो को हम लोग यहाँ पे सेट करवाएंगे, देखो कैसे, ध्यान से देखना। अब हम लोग स्केल लेंगे, अब हम लोग स्केल बनाएंगे इन दोनों के रेशो का। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, एक फ्लोट वैल्यू लेंगे, देखना फ्लोट, अब स्केल आएगा हमारा इज इक्वल्स टू, स्केल कैसे हम लोग बोलेंगे, हम लोग लेंगे वीडियो रेशो को डिवाइड कर दो किससे, स्क्रीन रेशो से। जब इसको हम लोग इस तरह से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक स्केल आ जाता है, स्केल के रूप में ही हमारे टोटल जो वीडियो व्यू होगी ना इसी के रूप में शो करवाएंगे। अब देखो स्केल का मतलब हुआ, देखो इफ, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, इफ स्केल इज ग्रेटर देन वन या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू वन तब क्या हो, होल्डर, इसको पहले देख लो एक बार, होल्डर डॉट वीडियो व्यू डॉट सेट स्केल एक्स, स्केल डाल दो, एल्स कंडीशन लगाते हैं इस पे, होल्डर डॉट वीडियो व्यू डॉट सेट स्केल, अब इस पे सेट स्केल वाई करेंगे, सेट स्केल वाई पे हम लोग क्या करेंगे, वन एफ लेंगे, डिवाइड कर देंगे स्केल से। देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पहले वीडियो का रेशो लिया फिर स्क्रीन का रेशो लिया, इन दोनों के रेशो को डिवाइड करके हमने स्केल बना लिया। अब स्केल का मतलब हुआ कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इसके अगर इन दोनों को देखो, वीडियो का रेशो अगर सेम है, अगर स्क्रीन का रेशो सेम, अगर दो सेम चीजों को डिवाइड करते हैं तो वन आता है। तो हमने बोला वन आ रहा है या फिर उससे बड़ा आ रहा है, यानी कि हमारा स्केल फुल स्क्रीन पे आ रहा है, तब क्या करें, होल्डर डॉट वीडियो व्यू को स्केल सेट स्केल एक्स जो इसका सेट हो जाए वो स्केल ही सेट हो जाए। इसके बाद उन्होंने बोला कि अगर ये नहीं आ रहा, वन नहीं आ रहा, ये वन से छोटा आ रहा है, यानी कि वीडियो हमारी थोड़ी छोटी है, तो हमने वन के स्केल के साथ, वन के फ्लोट वैल्यू के साथ स्केल को डिवाइड कर दिया, तब हम लोग इसको सेट कर रहे हैं। अभी देखो इससे क्या होगा ना, इस कोड से, इस कोड से हमारी जो वीडियो आएगी ना पूरी फुल स्क्रीन पे आएगी, अच्छे से दिखेगी हमको, जैसे शॉर्ट वीडियोज में दिखता है। ठीक है जी, ये कोड आपने ध्यान से देख लेना है। ठीक है, तो इतना काम करने के बाद हमारा काम जो है मेन लगभग यहाँ से खत्म हो चुका है। अभी हमारा काम स्टार्ट होगा यहाँ पे, फिर से नीचे यहाँ पे, अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे दिखाते हैं, होल्डर डॉट, अब वीडियो व्यू तो हमारा प्ले हो जाएगा, डॉट सेट ऑन कंप्लीट लिस्टर, पर जब वीडियो कंप्लीट हो जाए तब क्या हो, तो हम बोलेंगे न्यू मीडिया प्लेयर ऑन कंप्लीट लिस्टनर ले लिया। अब इस कंप्लीट लिस्टनर पे आप कुछ भी कर सकते हो, आप नेक्स्ट वीडियो भी प्ले कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए, जब वीडियो प्ले हो तब मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि मीडिया प्लेयर डॉट स्टार्ट,
तो मैं इसको स्टार्ट ही करूंगा यहाँ पे, ठीक है जी। जब कंप्लीट हो जाए तो फिर से स्टार्ट हो जाए, तो मैं ये काम कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। बाकी सब आप लोग धीरे धीरे सीखेंगे आगे, इसी ऐप को एडवांस करते जाएंगे। देखो अभी फिलहाल के लिए मेरे पास ये चीज़ है, ये आ गया आइटम वीडियो, ठीक है जी। सारा काम हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक एरे लिस्ट बनानी है। देखो जी यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा कोड रहेगा आपका। हम लोग क्या करेंगे, एक बनाएंगे एरे लिस्ट। अब हम एरे लिस्ट में डेटा देंगे, कहाँ से देंगे, देखो एरे लिस्ट किसकी बनाएंगे, डेटा हैंडलर की, और इसका नाम दे देंगे डेटा हैंडलर। और इसको यहाँ पे ना न्यू इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा साथ ही में, न्यू एरे लिस्ट हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया, तो ये हमारे पास चीज आ गई, ठीक है जी। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको फिर से मैं प्राइवेट भी ले रहा हूँ। अब यहाँ पे हमको करना है वीडियो, जो व्यू पेजर है हमारा वो भी ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, व्यू पेजर ले लूंगा। तो ये आ गया हमारा व्यू पेजर टू, व्यू पेजर टू इसका नाम दे दिया, वापस यहाँ पे आए और यहाँ पे इसको फाइंड कर लेंगे। तो व्यू पेजर यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हम लोग इसको अभी सेट करेंगे, इसका अडाप्टर वगैरह। तो देखो किस तरह से सेट करना, पहले तो देख लो, व्यू पेजर डॉट सेट अडाप्टर सेट करना। कौन सा अडाप्टर, पेजर अडाप्टर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे न्यू पेजर अडाप्टर, और यहाँ पे आप लोग सेट कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो इस तरह से भी बना सकते हो। पेजर अडाप्टर इज इक्वल्स टू न्यू पेजर अडाप्टर, और यहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे, एक एरे लिस्ट इसको चाहिए और एक चाहिए एक्टिविटी। एरे लिस्ट चाहिए, एरे लिस्ट से पहले हम लोग क्या करेंगे, एरे लिस्ट का जो डेटा है वो सेट करेंगे। तो हम लोग डेटा हैंडलर नाम की एक जो क्लास हमने बनाई हुई है उसको लेंगे, डेटा हैंडलर इसका नाम दे देंगे हम लोग, डेटा इज इक्वल्स टू न्यू डेटा हैंडलर। अब देखो यहाँ पे ये हमसे डेटा मांगेगा, क्या मांगेगा, टाइटल मांगेगा। तो हम लोग लिख देंगे टाइटल वन, ठीक है, जिसका यूआरएल देंगे। अभी देखो वीडियो का यूआरएल चाहिए यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कहीं से डेमो वीडियोस लिंक जो है हम लोग गिटहब से ले लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हमको लिंक मिल जाएगा। आप अपने जो भी आप फायरबेस के चाहे सर्वर पे डालो चाहे कहीं पे, वो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में भी देखेंगे वो चीज़, फायरबेस का किस तरह से कनेक्ट करेंगे इसके साथ। और जो भी आपने कहीं पे भी अगर वीडियो स्टोर करके रखी है सर्वर पे, ठीक है, तो मैं यहाँ से ये चीज़ ले लूँगा, एक ये वीडियो कॉपी कर लेते हैं, ठीक है जी। इसका यूआरएल यहाँ पे डाल देते हैं। अभी देखो यहाँ पे एचटीटीपी है ना, तो ये हमारा रन नहीं होगा, हमको एचटीटीपीएस चाहिए होता है क्योंकि ये सिक्योर चीज़ें ही रन होगी यहाँ पे, ठीक है जी। एचटीटीपीएस लगा दिए मैंने, तो ये रन हो जाएगा अभी, ठीक है जी। एक हमारे पास डेटा हैंडलर आ गया, डेटा हैंडलर एक और चाहिए हमको, दो तीन वीडियोस हमको चाहिए। तो मैं डेटा हैंडलर टू नाम दे दूंगा, टाइटल टू यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा रख देते हैं इसको, दिस इज टाइटल टू, दिस इज टाइटल वन, ठीक है जी। तो यहाँ पे दूसरी वीडियो लेंगे, कौन सी लेते हैं, चलो देखते हैं, यहाँ से एक और लेते हैं, सेम वही काम करना है। ये सारा हम फायरबेस से भी ले सकते हैं, ठीक है जी, ये फायरबेस से ही लेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक इसको फायरबेस के साथ बनाएंगे, ठीक है जी। ये दूसरी वीडियो आ गई, ऐसे हम एक तीसरी भी ले लेते हैं, चलो दिस इज डेमो टाइटल टू, थ्री आ गया टाइटल एक और टाइटल के साथ हम लोगों ने एक वीडियो और ले लेती है, इसको भी ले लेते हैं, ठीक है। इसका भी एच टी टी पी एस कर लो, और जो ये वीडियो अलग डालेंगे अभी, इसका भी एच टी टी पी एस। तो ये हो गया सारा काम। अब क्या करेंगे, अब जो एरे लिस्ट हम लोगों ने बनाई है, डेटा हैंडलर डॉट एड, क्या ऐड करेंगे हम लोग, करेंगे डेटा को ऐड करेंगे और उसको डुप्लीकेट कर देंगे फिर से, फिर डेटा टू को भी ऐड करेंगे, फिर डेटा थ्री को भी ऐड कर देंगे। तो तीनों ऐड हो गए, किसके अंदर ऐड हो गए, एरे लिस्ट के अंदर। एरे लिस्ट को कहाँ पास करना है, देखो जी यहाँ पे पास करना है, पहले इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ मैं, जो अडेप्टर बनाया था ना हमने, देखो फिर से एक बार दिखा देता हूँ, अडेप्टर ये क्या मांग रहा है मुझसे, डेटा हैंडलर, तो डेटा हैंडलर दे दो उसको, कॉमा ये क्या मांग रहा है, एक्टिविटी मांग रहा है, तो जो भी एक्टिविटी आपकी, आप दिस लिखोगे तब भी चल पड़ेगी, मेन एक्टिविटी डॉट दिस लिखोगे तब भी चल पड़ेगी, ठीक है जी। तो काम खत्म। इसके बाद व्यू पेज अडेप्टर को क्या करेंगे हम लोग, पेज अडेप्टर डाल देंगे जो हमने अभी ऊपर बनाया। आप यहाँ पे भी न्यू पेज अडेप्टर करके ये डेटा इसके अंदर डाल के भी बना सकते हो, एक ही चीज है। इसको एक बार रन करते हैं फिर देखते हैं कुछ शो हो रहा है या नहीं हो रहा।
अच्छा काम करना ना, मैनिफेस्ट में परमिशन भी दे दे रहे हैं इंटरनेट की, ठीक है जी। चलो देखते हैं इसको रन होता है या नहीं। ये ऐप रन हो चुकी है, एक बार चेक कर लेते हैं। अभी ये लोड हो रही है यहाँ पे, तो आप देखोगे ये रन होना स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे ये रन हो रही है लेकिन यहाँ पे वीडियो का टाइटल नहीं आ रहा। ये बटन तो आ रहे हैं, इनको भी हम लोग ठीक कर सकते हैं, और वीडियो का टाइटल यहाँ पे नहीं आ रहा, तो इसको मैं फिलहाल के लिए कट करता हूँ यहाँ से, ठीक है जी। एक बार मैं यहाँ पे देख लेता हूँ अडॉप्टर पे हम लोगों ने सेट किया या नहीं किया। हाँ तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने वीडियो ही सेट की है, सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पे टाइटल सेट नहीं किया। तो हम लोग ऊपर आएंगे, होल्डर डॉट टाइटल डॉट सेट टेक्स्ट क्या देंगे, डेटा हैंडलर डॉट गेट पोजीशन डॉट गेट टाइटल जो हमारे पास रहेगा वो मिल जाएगा, तो ये सेट हो जाएगा अभी। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारी ये जो चीज़ें हैं ना, ये ठीक से हमको दिख नहीं रही, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड टिंट और इसको दे देंगे वाइट। शायद बैकग्राउंड से वर्क कर जाए, वाइट। हाँ चल रहा है वाइट, इसका भी वाइट देते हैं, इसका भी वाइट देते हैं। अच्छा ये वीडियो है ना, इसका भी हम लोग क्या देते हैं, वाइट। एक बार देखते हैं, आप इसको अपने हिसाब से कलर तो कस्टमाइज कर सकते हो, बटन कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है जी। मैं बस आपको यहाँ पे शो करने के लिए, यहाँ पे दिखाने के लिए कर रहा हूँ सारा काम, आपने डिज़ाइन अपने हिसाब से करना है। बाकी मैंने जो डिज़ाइन पे यूज़ हो रही है चीज़ें वो सारी दिखा दी आपको। एक बार रन करते हैं और स्लाइड करके देखते हैं हमारे जो तीनों वीडियोज़ हैं वो प्ले हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है जी। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, देखो ये बटन अब शो हो रहे हैं थोड़े से, इसको अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, राउंड वगैरह जो भी कलर वगैरह आपने चेंज करना है। तो दिस इज़ टाइटल वन आ गया और टाइटल वन की जो वीडियो वो प्ले हो रही है। अभी एमुलेटर पे रन कर रहा हूँ तो थोड़ा सा स्लो रन हो रहा है। अब इसको एक बार स्लाइड करते हैं, देखो देखो दूसरी वीडियो, दिस इज़ टाइटल टू, और अभी यहाँ देखते हैं दूसरी वीडियो है या नहीं। तो ये दूसरी वीडियो आ गई यहाँ पे। इसके बाद तीसरी वीडियो एक और थी हमारी, इसको भी देख लेते हैं एक बार, और इससे आगे स्लाइड नहीं होगा क्योंकि हमारे पास तीन ही वीडियोस है, ठीक है। तीसरी वीडियो देख लेते हैं, दिस इज टाइटल थ्री यहाँ पे आ रहा है, और ये तीसरी वीडियो भी यहाँ पे प्ले हो जाएगी। देखो ये सब कुछ डिपेंड करता है ना, ये एक तो एमुलेटर पे रन हो रही है, देखो यहाँ पे ये अच्छे से रन हो रही है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, फायरबेस के साथ इसको कनेक्ट करेंगे, फिर हम वीडियोस को डाउनलोड और शेयर का ऑप्शन भी डालेंगे, समझ रहे हो, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो यार, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। देखो देखो इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, और आप लोग लाइक नहीं करते वीडियो को, और ना ही आप पूरा वीडियो देखते हो, ठीक है। तो आपने पूरा वीडियो देखना है, इस वीडियो को लाइक करना है, ठीक है जी। जैसे आपके लाइक यहाँ पे मैं गिनूंगा, देखना इसमें अगर 20 लाइक्स, मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 20 लाइक्स का, इसके बाद ही इसकी दूसरा पार्ट आएगा। 20 लाइक करो अगले दिन ही इसका वीडियो का पार्ट आ जाएगा, जैसे आज आप 20 लाइक करते हो अगले दिन इसका पार्ट आ जाएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए।